हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनयनन चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको इसकी और वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो हम थे 28 क्वेश्चन पे कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये कह रखा है कि 7 सेंटीमीटर की एक ऊंचे भवन है, ठीक है। ये हमारा ईडी एक 7 सेंटीमीटर ऊंचा भवन है के शिखर, यानी अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए तो जो मीनार है या हमारी एसी, उसके शिखर का जो उन्नयन कोण बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। और कहा है कि अगर इसी जो ये भवन है इसके एकदम अगर इस वाली मीनार के अगर नीचे पास से देखा जाए तो जो हमारा अवनमन कोण बनना है वो 30 डिग्री का बनना है, ठीक है। तो हम इसमें कह रहे हैं कि हमें ना जो ये वाली एडी है एसी है ना, इसकी पूरी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है मीनार की। तो आपको बीसी तो मिल जाएगा क्योंकि ईडी और बीसी इक्वल है, इसलिए तो ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी हो जाएगा, लेकिन हमें ए भी निकालना है, ठीक है। तो हम पहले लेंगे कि त्रिभुज बीई सी ये वाले में, इस वाले में लेंगे त्रिभुज। क्यों लेंगे? क्योंकि अगर हमें ये अगर इसमें से ए बी की हाइट निकालनी है ना तो हमें बेस चाहिए, और लेकिन बेस तो हमें पता नहीं है, तो हम बी सी ई के द्वारा हम बेस निकाल सकते हैं। तो हम इसमें टेन 30 इक्वल में 7/b, टेन इसलिए गए क्योंकि हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की बात की गई है, लंब और आधार की बात की गई है। तो हमारा जो परपेंडिकुलर था यानी बी सी था वो 7 सेंटीमीटर था, और बी हमारा दिया ही नहीं तो हमने बी रख दिया, और टेन 30 की वैल्यू थी 1/√3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बी ई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी वृज गुणनखंड करेंगे, तो हमारा जो बी ई है वो इधर आ जाएगा, और जो हमारा ये डिवाइड में था √3 ये इधर आ जाएगा 7 के साथ। तो जो हमारी बी ई की वैल्यू आ जाएगी वो 7√3 आ जाएगी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब त्रिभुज हम लेंगे बी ई ए में, यानी ये बी ई ए में ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो टेन 60 इक्वल में ए बी अपॉन में बी। आप यहाँ पे देखो, आप ए बी को ये लिख सकते हो ना, यानी ए बी को हम ये लिख सकते हैं ना, ए सी में से माइनस कर दें अगर बी सी तो हमें ए ई बी तो मिलेगा, ठीक है। तो हमने ए बी को लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ए बी को हमने लिख दिया ए सी माइनस 7, क्योंकि हमारा बी सी 7 था ना, तो हम इसमें 7 की वैल्यू पुट कर दी, और अपॉन में बी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 7√3, ठीक है। और टेन 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिवाइड में इधर साइड को जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी √3 7√3 मल्टीप्लाई में √3, तो ये 2 हो जाएंगे, यानी √3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारा 21 हो जाएगा, और यहाँ पे ए सी माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे ये माइनस का 7 है इधर साइड को आएगा प्लस में, यानी 21 प्लस में 7 इक्वल में ए सी की वैल्यू आ जाएगी 28 मीटर ए सी, यानी जो हमारी मीनार थी ना उसकी ऊंचाई आ गई हमारी, ठीक है। अब आते हैं 29 क्वेश्चन पे। किसी मीनार के आधार से 9 मीटर तथा 4 मीटर की दूरियों पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदुओं से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण पाए जाते हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रखा है कि एक मीनार है, ये हमारी ये भी एक मीनार है। अब कह रहा है कि ना आधार से, अगर आधार से देखा जाए तो हमारा डी बी वो 9 सेंटीमीटर का है, और जो हमारी सी बी सी है ना वो 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ना मीनार के आधार से 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर की दूरियों पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदुओं, ये हमारे यहाँ पे ना आप ये मत लिख देना कि ये 9 हो गई, डी सी हमारी 9 नहीं, ये पूरी हमारी 9 होगी, 9 मीटर, ठीक है। ये आपका बुक का भी क्वेश्चन है, एकदम ऐसी है। और यहाँ पे सी भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रखे कि दो कोण है, यानी एक ये वाला कोण है और एक ये कोण है, इनका जो योग है ना वो 90 डिग्री है, पूरक मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इनका जो योग यानी अगर ऐड करते हैं ना तो इनका 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो एक का माना है कि हमने ये थीटा है, और एक का माना 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर हम थीटा में से अगर 90 में से अगर थीटा माइनस करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, क्योंकि दोनों का जो सम है वो 90 है, ठीक है।
तो माना कि एंगल ए सी बी इक्वल में थीटा है, तो एंगल ए डी बी हमारा 90 माइनस थीटा होगी। और दिया है कि डी बी सी हमारा है 4 सेंटीमीटर और डी बी हमारा 9 मीटर। ज्ञात करना है कि ए बी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में, ठीक है। इसमें लेंगे टेन थीटा इक्वल में पी अपॉन में बी, क्योंकि हम थीटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। और पी हमारा क्या है, ए बी है, और बी हमारा है बी सी, तो बी सी की वैल्यू हम रख देंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो बी सी है यहाँ पर डिवाइड में इधर साइड को मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 मीटर टेन थीटा इक्वल में ए बी। अब ये मीटर आप लगाना, मीटर छोड़ मत देना, ठीक है। तो हमारा ए बी की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर टेन थीटा, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब इसी प्रकार दूसरे वाले त्रिभुज में ए बी डी, हमारा जो बड़ा वाला त्रिभुज था उसमें हमारी वैल्यू क्या थी, टेन थीटा की वैल्यू थी 90 डिग्री माइनस थीटा थी, और इक्वल में ए बी अपॉन में बी डी। अब हमारा ए बी तो दे नहीं रखा, ए बी हम ऐसे रखेंगे, और जो हमारा डी बी था वो 9 मीटर था, ठीक है। ये हमारा जो 9 मीटर यहाँ पे डिवाइड में इधर साइड को मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी ये इसके पूरे के मल्टीप्लाई में होगा। तो 9 मीटर और ब्रैकेट में टेन थीटा 90 डिग्री माइनस टेन थीटा ब्रैकेट वन ए बी। अब ये आपको ये फॉर्मूला है, ये किसी का है, किसका फॉर्मूला है, ये कॉट थीटा का फॉर्मूला है। तो 10 मीटर कॉट थीटा इक्वल में ए बी, ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। देखो जो कॉट थीटा की होती वैल्यू होती है, कॉट थीटा इक्वल होता है 10 थीटा, 10 90 माइनस थीटा, ये हमारा होता है इसमें। तो यही उसी का फॉर्मूला है, इसकी जगह पे हमने रख दिया कॉट थीटा। अब ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। अब समीकरण एक व दो को गुणा करने पर यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले को जो वहाँ हमारा पहला आया था उससे गुणा करेंगे, और इधर साइड को उस वाली साइड से। तो ए बी मल्टीप्लाई में ए बी इक्वल में 4 मीटर टेन थीटा मल्टीप्लाई में 9 मीटर कॉट थीटा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36 मीटर स्क्वायर आएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा और कॉट थीटा आ जाएगा। तो हम कॉट थीटा को अब दूसरे में क्या लिखेंगे कि हम कॉट थीटा को ये लिख सकते हैं ना 1/10 थीटा, तो क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 36 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए बी का स्क्वायर है ना, यहाँ पे जाकर रूट हो जाएगा, तो जो इसका वो होता है वर्गमूल वो 6 मीटर होता है, तो ए बी का हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, हमारी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। अब आता है 31 पर। 100 मीटर ऊंचे भवन स्तंभ की चोटी से एक प्रेषक समूह समुद्र में एक जहाज को ठीक अपनी मीनार में आते हुए देखता है, यदि जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री हो जाता है तो प्रेक्षक की अवधि में जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें ज्ञात करना है यहाँ पे जहाज की दूरी, यानी एक्स की वैल्यू, जहाज से उसने कोण अपना बदला है, यहाँ से लेकर यहाँ पे जो उसने कोण बदला है ना अपना, तो ये हमें इसकी एक्स यानी दूरी याद करनी है। तो हमें ये बोल रखा है कि ये ए बी एक प्रकाश स्तंभ है, ठीक है, और इसमें कह रखा है कि ना इसका अवनमन कोण है, अवनमन कोण यानी ऊपर से देखते हैं हम, एक तो 60 डिग्री है और दूसरा है 30 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो, क्योंकि एकांतर अंतः कोण, और ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमें इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी निकालनी है। तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में इसमें 10 60 और इक्वल में पी अपॉन में बी, हम क्योंकि यहाँ पे बेस और आधार की बात की गई है, तो हमारा पी हमारा दे रखा था 100, क्योंकि वो 100 सेंटीमीटर बड़ा है ना, 100 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो यहाँ पे हमारी ए बी दे रखी है 100 मीटर। और वाई हमें नहीं दे रखा है, सी बी को हमने वाई मान लिया, नहीं दे रखा है, और 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पे क्या होगा कि वाई इसकी जगह पे हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। वाई इक्वल में 100/√3, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी, इस बड़े वाले त्रिभुज में, इस बड़े वाले में क्या करेंगे, 10 30 इक्वल में पी अपॉन में बी, और इसमें पी हमारा दे रखा है वही सेम हो जाएगा 100, ए बी यानी 100, और जो हमारा बी है, अब ये बी डी, बी डी हमारा बेस है, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स प्लस में वाई,
तो हमने लिख दिया एक्स प्लस में वाई, और टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3। अब क्या होगा कि ना इसमें ना हम ना फर्स्ट है ना उसकी वैल्यू रख देंगे, वाई की वैल्यू ना इसमें पुट कर देंगे। तो हम 1/√3 इक्वल में 100/x + 100/√3। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे पहले रूट दे रखा था ना 1/√3 और इक्वल में 100/x + 100/√3, तो हम इसको ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये जो 1/√3 ना वो 100 के साथ आ जाएगा, 100√3, और जो नीचे इसके 100 के नीचे दे रखा था ना x + 100/x, वो इधर साइड को चला जाएगा, ठीक है, x + 100/√3। तो ये सिर्फ ना जो 100/√3 ये यहाँ पे जिस अपॉन में लग रखा है ना, वो सिर्फ इस पे लग रखा है 100 पे, एक्स पे नहीं लग रखा, ठीक है। फिर हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा x + √3 x√3 + 100/√3, और यहाँ पे एज इट इज उतर जाएगा। तो अब ये जो रूट थ्री है ना यहाँ पे डिवाइड में इधर साइड को मल्टीप्लाई में ले आ जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएंगे, √3 स्क्वायर हो जाएगा इनका, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। जब 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, और यहाँ पे x√3 + 100 एज इट इज उतरता जाएगा। फिर ये जो 100 है ना प्लस का है, तो इधर साइड को माइनस में चला जाएगा, तो हमारा 200 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा x√3 हो जाएगा। फिर जो √3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो नीचे इसके डिवाइड में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इसमें ना √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, 1.73 होती है, पॉइंट हटाएंगे, जितनी नंबर यहाँ पे होते हैं उतने जीरो ऊपर लग जाते हैं, यानी 2 नंबर है तो 2 जीरो लग जाएगी यहाँ पे, जब काटेंगे तो हमारा आएगा 115.5 मीटर, यानी हमारी दूरी आ जाएगी जहां से उसने कोण अपने चेंज किए थे, ठीक है। अब आते हैं 32 पे क्वेश्चन पे। 60 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक प्रकाश स्तंभ के शिखर तथा पाद के उन्नयन तथा अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री, 30 डिग्री व 60 डिग्री के हैं, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट कि प्रकाश स्तंभ तथा भवन की ऊंचाई में अंतर, यानी हमें इसमें अंतर निकालना है, ठीक है। ये हमने माना ये हमारा ये भवन है और ये प्रकाश स्तंभ है, तो इसमें भवन की जो ऊंचाई दे रखी है वो 60 मीटर दे रखी है, और हमें ना AC यानी इस पूरे की निकालनी है। हमें BC तो मिल गया क्योंकि AD और जो BC है वो इक्वल है, तो यानी ये जो 60 है वो भी ये भी 60 होगा, लेकिन हमें AB नहीं पता, तो AB निकालेंगे हम। फिर AB और फिर BC को जब ऐड कर देंगे तो हमारा AC मिल जाएगा, ठीक है। फिर AC में से क्या करेंगे हम, इसको माइनस कर दो या इसको माइनस कर दोगे ना तो अंतर निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये और ये हाइट दोनों सेम है, तो आप इनमें से कोई सा भी माइनस कर सकते हो, तो अंतर हमारा आ जाएगा निकल के, भवन और प्रकाश स्तंभ के बीच का अंतर। अब आते तो हम करते हैं कैसे कि त्रिभुज BEC में, यानी BEC में ये वाला त्रिभुज, और इसमें ये पहले कह रखा है कि जो प्रकाश स्तंभ है उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, और जो अवनमन कोण है अवनमन कोण तो वो हमारा है 60 डिग्री, यानी पास से अगर देखा जाए भवन के, ये भवन है, ठीक है, इसके अगर भवन है और इसके प्रकाश स्तंभ के पाद यानी नीचे से देखा जाए जो अवनमन कोण बनता है वो कितना 60 डिग्री का बनना है, और जो भवन से ऊपर की तरफ देखा जाए तो 30 डिग्री का बनना है उन्नयन कोण। तो हम BEC में त्रिभुज में tan 60 इक्वल है P/B, तो जो हमारा P हमारा था परपेंडिकुलर यानी BC वो हमारा 60 था, है, और जो ED है ED तो हम अपॉन में ले लेंगे BEB, ठीक है। तो यहाँ पे जो EB है वो इधर इधर जाएगा, और ये जो √3 है ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो EB इक्वल में 60/√3, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब त्रिभुज BEA में, इस वाले त्रिभुज में क्या होगा कि tan 30 इक्वल में P/B। अब हमारा P है ना वो AB है, ये P है और बेस हमारा क्या है BE, ठीक है। फिर हम 1/√30 की वैल्यू लेंगे 1/√3 इक्वल में हम AB को ये भी ले सकते हैं, AB है ना, इसको हम ये ले सकते हैं कि AC में से अगर माइनस कर दिया जाए BC तो हमारा AB निकलता है, ठीक है। तो हम AB को ये ले सकते हैं AC - BC, तो BC की तो वैल्यू दे रखी 60, तो AC - 60 और अपॉन में EB
वन अपॉन रूट थ्री। तो हम इसको कॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वर्ग गुणनखंड करेंगे, तो जो ई बी है वो हमारा इधर आ जाएगा और जो रूट थ्री है वो इधर आ जाएगा, यानी पूरे का मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी। अब समीकरण एक व दो को बराबर रखने पर, क्यों रखने पर, क्योंकि उसमें जो हमारी आप देख सकते हो, देखो इसमें ई बी ना बराबर हो गए, इसलिए हमने इसको और इसको ना बराबर रख दिया। तो रखेंगे तो 60 अपॉन में रूट थ्री इक्वल में ए सी माइनस 10 ब्रैकेट बंद और रूट थ्री। ठीक है, तो हम ये जो डिवाइड में है ना रूट थ्री, इधर साइड को मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। ठीक है, तो इधर 60 इक्वल में ए सी माइनस 60 अपॉन में वो ब्रैकेट में रूट थ्री मल्टीप्लाई में 3। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3ac माइनस इससे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से 3 को, तो 180 आ जाएगा। फिर 180 जो माइनस में ना इधर साइड को इसको प्लस में ले जा देंगे तो 240 हो जाएगा और इक्वल है 3ac। ठीक है, फिर ये जो 3 है इधर साइड को मल्टीप्लाई में, इधर साइड को डिवाइड में लाएंगे, काटेंगे तो 80ac आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमें अंतर निकालना है, तो ac इक्वल में ab प्लस में bc। आपने देखा था BC की वैल्यू सेम थी, यानी EB और BC की वैल्यू सेम थी, या आप इसमें EB बता भवन की ऊंचाई थी। ठीक है, तो उसमें अंतर निकालना था, यानी भवन की और मीनार की इस प्रकाश स्तंभ के बीच की वो निकालना था अंतर। तो आप इसमें भी निकल के आ जाएगा अंतर, क्योंकि BC सेम है ना, EB और BC सेम है, इसलिए तो 80 था और इक्वल में AB प्लस में 60। तो आप जब इसको हम लोग इसमें जो प्लस का है तो इधर साइड को माइनस में चले जाएगा, तो 20 AB, यानी हमारा जो अंतर निकला ना वो अंतर था 20 AB का अंतर था। अब आएगा सेकंड क्वेश्चन, ED इक्वल में 60 रूट में 3। इसमें हमें निकालना था, देखो सेकंड में निकालना था प्रकाश स्तंभ तथा भवन की बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी जो थी ना वो निकालनी थी, या आप ऊपर से भी निकाल सकते दूरी आपकी आ जाएगी निकल के। तो हमने निकाला ED अपॉन में 60 रूट में 3, तो ED इक्वल में 60 हमने वैल्यू रख दी रूट 3 की 1.73, जब काटेंगे तो 35 मीटर आ जाएगा हमारा, या आप इसको ये भी ले सकते हैं 34.64 मीटर। ठीक है, क्योंकि जब इसका दशमलव के बाद जब बड़ा अंक होता है, 5 से बड़ा होता है, तो एक इसमें ऐड हो जाता है। अब आते हैं 33 क्वेश्चन पे, आनंद एक सर्कस खिलाड़ी को रस्सी पर चढ़ते देख रहा है जो कि 20 मीटर लंबी है और एक ऊर्ध्वाधर खंभे से बंधे हैं। यदि रस्सी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें AB की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये हमें दे रखा है कि जो AC यानी जो रस्सी की लंबाई वो 20 मीटर है और जो कोण बनाती है वो भूमि के साथ वो है 30 डिग्री, यानी उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री। अब इसमें ना हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि जिसमें यानी हमारा बेस परपेंडिकुलर हो और हाइपोटेनस हो, यानी हमारा लंब हो और आधार हो, तो ये तो साइन में होता है। ठीक है, तो हम साइन 30 इक्वल में AB अपॉन में AC, इसमें हम थीटा की वैल्यू रख देंगे 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल में AB हमें नहीं दे रखा, ये भी तो निकालना है, और हमें AC दे रखा है 20। जब यहाँ पे जाएगा ये यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर साइड को मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जब 2 से कटेगा ना तो हमारा आ जाएगा 10 मीटर AB, यानी जो हमारी खंबे की ऊंचाई होगी वो 10 मीटर होगी। अब आते हैं 35 पे, गणतंत्र दिवस के उपलब्ध में 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रही हो तो देखती है कि, मतलब गुब्बारे को देखती है कि किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ना आपका ना जो सपोर्ट मटेरियल है हिंदी वाला, उसमें ना सिर्फ 8.2 दे रखा है। ठीक है, उसमें 8.2 नहीं आएगा, 88.2 मीटर आएगा, आप इंग्लिश के सपोर्ट मटेरियल में देख सकते हैं, तभी आंसर निकलेगा। तो हमने ये बनाया, ये हमारे था गुब्बारा, पहले तो ये यहाँ पे था, जो भूमि से ऊंचाई कितनी थी उसकी, वो थी टोटल 88.2 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके इतनी ऊंचाई थी 88.2 मीटर। अब वो कुछ देर बाद ना यहाँ पे चला गया,
पहले तो जो उसका जो बनना था ना उन एंड कोण, वो 60 डिग्री का बनना था, लेकिन अब वो यहाँ से लेकर ना यहाँ तक चला गया, उसने इतनी दूरी तय कर ली तो वो यहाँ पे आ गया, लेकिन उसकी ना ऊंचाई नहीं बदली, ऊंचाई उतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है जितना पहले ऊंचाई पे उड़ रहा था वो, लेकिन उसका कोण चेंज हो गया और थोड़ी दूरी चेंज हो गई है। ठीक है, अब जब वो इधर इधर आ गया तो उसका कोण हो गया 30 डिग्री, घट गया कोण। तो हमें बोल रहा है कि हम जो उसने यहाँ से जो कोण चेंज किया है ना, ये 60 और 30, यहाँ से लेके इतनी दूरी में तो चेंज किया उसने कोण, तो ये हमें दूरी निकालनी है उससे। ठीक है, तो हमें दे रखा है ये पूरी दे रखी 88.2 मीटर, और एंगल दे रखा है 60 और 30 डिग्री दे रखा, तो हम और लड़की दे रखी 1.2 मीटर, इधर 1.2 मीटर, ये हमारी लड़की है FE, ये लड़की है। ठीक है, तो अगर हमें AG या BC निकालनी है, इतनी ऊंचाई निकालनी है हमें, तो हम कर सकते हैं ना इसमें से, क्या कर सकते हैं इस पूरे में से, अगर हम इस छोटे को माइनस कर दे यानी EF किया इतनी की हाइट को माइनस कर दे, तो हमें BC नहीं मिल जाएगा। तो हमने वही किया है, 88.2 मीटर में से 1.2 काट दिया, माइनस कर दिया, तो हमारा 87 मीटर आ गया, यानी यहाँ से लेकर जो हाइट है ना यहाँ तक वो 87, यहाँ से लेके हाइट 87 है। अब हमें त्रिभुज मिलते हैं AFG, या है AFG, और एक और मिलता है BFC। ठीक है, हम पहले लेंगे त्रिभुज AGF में, AGF ये वाला छोटा वाला त्रिभुज है, इस वाले में लेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें थीटा की वैल्यू दे रखी है 60, और इसमें हम लगाएंगे टैन का फॉर्मूला, क्योंकि हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की बात की है, लंब और आधार की बात की गई, तो टेन 60 इक्वल में पी अपॉन में बी, तो टेन 60 की वैल्यू होती है √3, इक्वल में पी की वैल्यू होती है, क्या होती है पी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे परपेंडिकुलर 87 दे रखा है, AG यानी 87 दे रखा है, और बी क्या है हमारा बेस GF, ये नहीं दे रखा इसलिए हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो हम इसको ना यहाँ पे ले आते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो ये डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा ये डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारी GF हो जाएगी 87/√3, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी। अब त्रिभुज बड़े वाले में लेंगे BCF में, इस बड़े वाले में। ठीक है, इसमें टेन थीटा की वैल्यू है 30, इक्वल है पी अपॉन में बी, पी हमारा BC यानी 87 है, और बी हमारा यानी CF, ये हमारा किससे मिलकर बना है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, CF को हम पता है क्या लिख सकते हैं, FG प्लस में GC, इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम इसमें FG की वैल्यू पुट कर सकें, तभी तो हमारी GF निकाल GC निकल के आएगी। ठीक है, तो 87 अपॉन में FG प्लस में GC, इसमें टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब क्या करते हैं इसमें ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी वृहद गुणनखंड करेंगे, तो हमारी ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, FG प्लस में GC इक्वल में 87/√3। अब इसमें FG की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन के द्वारा, समीकरण एक के प्रयोग द्वारा हम क्या करेंगे FG की वैल्यू पुट कर देंगे, 87 अपॉन में √3 प्लस में GC इक्वल में 87/√3। अब यहाँ पे ये इस पूरे को उठा लेंगे हम, ये प्लस का है तो इधर साइड को माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और GC यहाँ पे बच जाएगा, तो हम इसको LCM ले लेंगे। ठीक है, LCM ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा, LCM लेंगे तो 87/√3 मल्टीप्लाई में √3 और माइनस 87, तो √3/√3 यानी 2 हो जाएंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, जब 3 को 87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 261 आएगा, और यहाँ पे 87 माइनस का आ जाएगा और अपॉन में √3 आ जाएगा। अब इसमें ना इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो 174 आ जाएगा, और इसमें √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.73, तो कटेगा तो हमारा आ जाएगा 100.57 मीटर। अब उसमें जो सपोर्ट मटेरियल है ना हिंदी का, उसमें ना आंसर आपका गलत दे रखा, देखो आपका दे रखा 58 58, और √2 दे रखा, √2 नहीं होगा √3 होगा। ठीक है, और ना √3 की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे ना इसमें तो, और फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आएगा। ठीक है, यही आएगा, आप देख लेना मल्टीप्लाई करके, यही आएगा आंसर पॉइंट के बाद, लेकिन देखते नहीं है आंसर, आपका पॉइंट के पहले जो होगा ना ये आंसर एकदम सेम करेगा मैच। ठीक है, तो आपका यहीं पे खत्म हुआ और ये 9th चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।